नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। मैथमेटिक्स सेकंड सब्जेक्ट कोड 2001। ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी कि हम कह सकते हैं इसको आव्यूह मैट्रिक्स को कहते हैं हिंदी में आव्यूह, आव्यूह की कोटि पे आधारित है। रैंक को कहते हैं हिंदी में कोटि। तो किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालना है या किसी आव्यूह की कोटि निकालनी है हिंदी में कहें तो उस पर ये प्रश्न मैं कर रहा हूँ ये वीडियो के अंदर। ये एक डिमांड आई थी मेरे पास बहुत होनहार स्टूडेंट की और उसके डिमांड पर ही ये मैंने वीडियो बनाया। आज कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा समझ आ जाए और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करने में कोई आप कमी नहीं रखेगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहेंगी। अगर मैं किसी समय उसका लिंक ना भी भेज पाऊँ तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो प्रश्न क्या पूछा गया था मुझसे उस स्टूडेंट के द्वारा कि सर आप ये बताइए कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, व्हाट द मीनिंग ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है और इसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स की कोटि की जब तक बात हम करते हैं यानी रैंक निकालने की बात हम जब करते हैं तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला टाइप वन वर्ग मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें कोई मैट्रिक्स 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है, 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, 5x5 का एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। अगर इस प्रकार की मैट्रिक्स हैं जिसमें रो और कॉलम बराबर हैं तो जितनी रो है या जितने कॉलम है उससे ज़्यादा के क्रम का उससे ज़्यादा के कोटि का कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकता। कोटि मतलब रैंक। जैसे मान लीजिए हम 3x3 की बात करते हैं, 3x3 की बात करते हैं तो जो उसकी कोटि होगी उस मैट्रिक्स की वो लेस देन और इक्वल टू 3 होगी, ये ध्यान रखना। 3 के बराबर हो सकती है, 3 से छोटी। अब 3 छोटी कितनी, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। कोटि, अच्छा कोटि 0 कब होती है, जब किसी मैट्रिक्स के सारे अवयव 0 हो। ये तो किसी भी प्रकार के मैट्रिक्स में लागू होगा। यदि किसी मैट्रिक्स के सभी अवयव यानी कि ऑल एलिमेंट्स जब किसी मैट्रिक्स के सभी अवयव बराबर 0 हों तो उसकी जो रैंक होगी यानी उसकी जो कोटि होगी वो 0 होगी। इस बात को आप ध्यान रखें। ये मैं अभी वर्ग मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ लेकिन ये किसी भी
और मैट्रिक्स के लिए भी लागू होती है। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो हम कहेंगे उसकी जो रैंक है वो ज़ीरो है। मैं भी बात कर रहा था 3x3 की, तो 3x3 का जो मैट्रिक्स है इसकी कोटि 3 की कब होगी? मैं बात कर रहा हूँ 3x3 की, फिर लिख रहा हूँ मैं 3x3 की बात कर रहा हूँ। 3x3 की जो रैंक है वो होगी 3। कब? यदि इस मैट्रिक्स की सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर जो आपको 3x3 का मैट्रिक्स दिया उसके हम सारणिक निकालेंगे डिटरमिनेंट और वो ज़ीरो नहीं आनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं इसकी रैंक 3 है। अच्छा, रैंक 2 कब होगी? फिर कह रहा हूँ मैं 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, उसके लिए सब बातें हो रही है। 2 कब होगी? यदि गिवन मैट्रिक्स की जो सारणिक है यानी कि डिटरमिनेंट, आपको पता है ना किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की सारणी होती है, किसी यदि गिवन मैट्रिक्स की जो सारणी है वो तो ज़ीरो हो तो ज़ीरो आ जाए, परंतु इस मैट्रिक्स से बने ये जो मैट्रिक्स आपको दी गई है ना 3x3 की, इससे बने किसी 2x2 मैट्रिक्स बल्कि किसी भी एक कर देता हूँ, किसी भी एक 2x2 मैट्रिक्स की सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हमने वो जो 3x3 की मैट्रिक्स ली थी उसमें से अगर हम 2x2 की मैट्रिक्स बनाए कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर और उन मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट निकालें, कई सारी बन जाएगी, और किसी भी एक डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर ज़ीरो नहीं आती है तो हम कहेंगे कि उसकी जो कोटि है उसकी जो रैंक है वो 2 है। ध्यान दीजिएगा, रैंक 2 हो जाएगी। मैं फिर दोहराता हूँ, रैंक 3 कब होगी? 3x3 की किसी मैट्रिक्स की अगर उसकी जो सारणिक है उसकी वैल्यू 0 ना हो। 2 कब होगी? जब उस मैट्रिक्स की सारणिक की वैल्यू तो 0 हो पर जो 2x2 की मैट्रिक्स बनती है खूब सारी उसमें से किसी भी एक मैट्रिक्स की जो सारणिक है डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 ना हो। अब रैंक 1 कब होगी? रैंक बराबर 1 भी हो सकती है ना 3x3 मैट्रिक्स की। 1 कब होगी? जब 3x3 की सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट तो 0 हो, 2x2 की प्रत्येक सारणिक यानी जितने भी संभव 2x2 के मैट्रिक्स है उनकी डिटरमिनेंट वो भी 0 हो। अगर वो भी 0 हो जाएगी तो फिर इसका जो कोटि है वो 2 भी नहीं होगी। अब जो 1 कोटि की बात चल रही है वो कब होगी? जब उस मैट्रिक्स का कम से कम एक एलिमेंट 0 नहीं हो। ये तो सारणिक 0 हो गई, ये सारणिक 0 हो गई, और हम लिखेंगे कम से कम एक अवयव उस मैट्रिक्स का यानी कि एक एलिमेंट
उसका जीरो नहीं हो बस, तब हम कहेंगे कि इसका जो क्रम है वो एक है। और अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो मैं पहले कह चुका हूँ, सॉरी अभी मैंने कहा था उसका क्रम एक है, क्रम एक नहीं रैंक एक है, और सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो हम कहेंगे रैंक जीरो है। ये मैंने बताया आपको तीन बाय तीन के लिए। अब जैसे मान लीजिए कोई चार बाई चार की मैट्रिक्स है, इसका इसकी जो रैंक है, इसकी जो कोटी है वो चार होगी। अगर जो आपको मैट्रिक दे रखी है उसकी डिटरमिनेंट चार बाई चार की जो बनेगी वो शून्य ना हो, अगर वो डिटरमिनेंट जीरो होती है किसकी चार बाई चार की, तो इस चार बाई चार की जो मैट्रिक्स है उससे तीन बाई तीन के जितने भी मैट्रिक्स बनेंगे उनमें से अगर किसी भी एक की डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो हम कहेंगे रैंक तीन है। और अगर सारे मैट्रिसेस जो बन रहे हैं तीन बाय तीन के उन सभी की डिटरमिनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाए तो फिर इसकी कोटी तीन भी नहीं होगी, हम दो के लिए विचार करेंगे। यानी अगर चार बाय चार की डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, इनसे बनने वाली सारी तीन बाय तीन की जो डिटरमिनेंट है वो वैल्यू भी ज़ीरो हो जाए, अब लेंगे दो बाय दो की डिटरमिनेंट टू बाय टू की, और जितनी भी बनती है उसमें से अगर किसी भी एक की डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हुई तो रैंक दो हो जाएगी। अगर वो भी सारी जीरो हो गई, यानी कि जितने भी टू बाय टू की बन रही है मैट्रिक्स उनकी सारणी निकल जाएगी, और उस सारणी की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो फिर कोटी यानी कि रैंक दो भी नहीं होगी। उस केस में हम विचार करेंगे एक पर, वो क्या होगा कि अगर कोई भी एक एलिमेंट चार बाय चार का नॉन जीरो है यानी जीरो नहीं है तो मैट्रिक्स एक हो जाएगी, और अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो नेचुरली वो तो उसकी जो कोटी है वो ज़ीरो ही होगी, जो हम पहले कह चुके हैं। सेम लागू होगा पाँच बाई पाँच के लिए। ये मैंने बात की टाइप वन यानी कि वर्ग मैट्रिक्स। अब बात करते हैं टाइप टू। सामान्य मैट्रिक्स, अब वो मैं वर्ग मैट्रिक्स नहीं कहूँगा उसको, मैं सामान्य मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स, यानी वर्ग मैट्रिक्स ना होगी, चाहे वो तीन बाई दो हो या दो बाय तीन हो या तीन बाई चार हो। इस तरह से माना कि वो ये हमने एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये जो बुक नंबर दो है मैंने आपको आइडेंटिफाई कराया था उसके पेज 38 पर एग्जांपल तीन है जो ये है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। इसमें तीन तो रो हैं और चार कॉलम है, इसके हमें रैंक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब ये तीन बाई चार का है, देखिए माना कि जो ऑर्डर है किसका मैट्रिक्स का वो तीन बाई चार का है। अब एक बात तय समझिए आप कि जब ऑर्डर तीन बाई चार का है और आप जानते हैं कि तीन तो भाई चार से छोटा होता है, यानी इसमें जो कोटी यानी कि जो रैंक होगी वो तीन से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब जो रैंक होगी वो लेस देन और इक्वल टू तीन होगी, चार कभी नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि चार बाई चार की सारणी पॉसिबल नहीं होगी। जब चार बाई चार का मैट्रिक्स ही नहीं तो सारणी कहाँ से हो जाएगी। हाँ, हम तीन बाई चार की जो मैट्रिक्स है उससे तीन बाई तीन की सारणी तो निकाल सकते हैं, तो रैंक उसकी तीन या तीन से कम ही होगी। तीन कब होगी, अब मैं लिखूँगा नहीं केवल बोलूँगा, सुनिएगा ध्यान से। तीन कब होगी, तब इस तीन बाई चार की, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये क्वेश्चन ही वाला, ये देखिए तीन बाई चार की है, इसके हम तीन बाई तीन मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे, किसी एक को छोड़ दो, इसको भूल जाओ, तो एक तीन चार, तीन नौ बारह, माइनस एक, माइनस तीन, माइनस चार, या इसको छोड़ दो, ये बन गई, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो,
या इन दो को लेके इसको ले लो, कुछ भी कर लो, हमें 3x3 की बनानी है मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो उस केस में जितनी भी 3x3 की मैट्रिक्स बनती है, अगर उनमें से किसी एक की भी वैल्यू डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स नहीं, उस मैट्रिक्स की जो सारणी की उसकी वैल्यू अगर जीरो नहीं हो, तो फिर ऑर्डर इसका जो कोटी है या इसकी जो रैंक है वो 3 हो जाएगी। अगर एक भी 3x3 की जो मैट्रिक्स है उसकी जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी अगर, तो इसकी रैंक 3 होगी। और अगर सभी 3x3 की जो डिटरमिनेंट बन रही है सभी, उनकी वैल्यू जीरो हो जाए तो फिर रैंक 3 नहीं होगी। फिर हम 2 पर विचार करेंगे। अब हम 2x2 की बनाएंगे, इस मैट्रिक्स से 2x2 की मैट्रिक्स बनाएंगे, उनकी सारणी निकालेंगे। अगर उनमें से किसी एक की भी वैल्यू अगर जीरो नहीं हुई तो कोटि यानी कि रैंक 2 हो जाएगी। अगर वो सारी भी जीरो हो गई डिटरमिनेंट 2x2 की, तो फिर इसकी जो रैंक है 2 भी नहीं होगी, फिर 1 पर विचार करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो 1 तो इसकी रैंक होगी। अगर 4x4 की डिटरमिनेंट, सॉरी 3x3 की प्रत्येक डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, 2x2 की प्रत्येक डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, तो उस केस में इसकी रैंक 1 होगी, क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको इसमें 0 को है ही नहीं। अगर एक भी नॉन जीरो, तो मैं कहता हूँ जैसे ये मान लो 3 लिखा होता है, यहाँ पे 3 जो लिख रहा है, तो बाकी सभी 0 होते तो ये तो नॉन जीरो हो गया ना, तो रैंक 1 हो जाएगी। अगर ये सारे 0 हो जाएं तो रैंक 0 होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। 1, 3, 4, 3 देखिएगा, 1, 3, 4, 3 3, 9, 12, 9 3, 9, 12, 9 -1, -3, -4, -3 -1, -3, -4, -3 1, 3, 4, 3 -3, 9, 12, 9 1, 3, 4, 3 3, 9, 12, 9 ये जो मैं आपको कह चुका हूँ, ये 3x4 की मैट्रिक्स है। अब चूंकि 3x4 की है, तो इसकी जो रैंक है कभी भी 4 तो नहीं हो सकती डेफिनेटली, क्योंकि 4x4 की डिटरमिनेंट बन ही नहीं रही है। इसका मतलब जो रैंक होगी वो लेस देन या इक्वल टू 3 होगी, या 3 या 3 से भी कम। 3 कब होगी? अगर इससे हम जो सारणिक बना रहे हैं इस 3x4 मैट्रिक्स से, कौन से सारणिक? 3x3 की, और किसी भी एक डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना हो, तो इसकी कोटि यानी इसकी रैंक 3 होगी। अभी हम देखेंगे कि इसकी कितने भी चाहे आप बना लो 3x3 की डिटरमिनेंट, सबकी वैल्यू 0 ही आएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लो इसको छुपा दिया मैंने, ये 3x3, ये 3 रो है और 3 कॉलम है। अब देखिए, अगर मैं इस थर्ड रो में से माइनस 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 यानी माइनस कॉमन ले लूँ, तो 1, 3, 4 बन जाएगा, और ये ऑलरेडी 1, 3, 4 है। दो रो आइडेंटिकल हो गई, जब दो रो एक जैसी होती है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इस मैट्रिक्स से जो सारणिक बनेगी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मान लीजिए मैं इसको छुपा देता हूँ, ये देखता हूँ ये भी 0 हो जाएगी। कैसे? 3, 4, 3 है, ये -3, -4, -3 अगर माइनस कॉमन ले लेते 3, 4, 3 हो जाएगा, दो आइडेंटिकल हो गए। इसको छुपा दूँ तो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 1, 4, 3 है, ये भी -1, -4, -3 है, ये तो माइनस निकाल दूँ तो 1, 4, 3 रह जाएगा। अगर मैं इस कॉलम को छुपा दूँ तो आप देखेंगे कि मैं कितनी भी 3x3 की डिटरमिनेंट बना लूँ इस सारणिक से, उन सब की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि सभी
3x3 सारणिक की मान की वैल्यू बराबर 0 आ रही है। इसका मतलब इसकी जो रैंक है 3 भी नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी, सब 0 आ रहे हैं ना। अब हम कह सकते हैं, अब हम एक एक बार देखिए, हम स्टेप स्टेप चल रहे हैं। पहले हम कह रहे हैं कि 4 नहीं हो सकती, 3 या 3 से कम हो सकती है। अब 3 नहीं हो सकती क्योंकि हर 3 जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है 3x3 की, वो 0 आ रही है, 3 नहीं हो सकती। इसका मतलब जो रैंक है 3 नहीं हो सकती ना, फिर 3 से कम होगी। अभी तक तो हमने कहा था 4 नहीं होगी, 3 या 3 से कम होगी। अब हम कह रहे हैं 3 भी नहीं होगी, यानी 3 से कम होगी। अब 3 से कम क्या होती है, 2 या 1? 2 कब होगी, देखिए कैसे होगी। 2 अगर मैं 2x2 की इसमें लूँ डिटरमिनेंट, और किसी भी एक 2x2 डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आए, 0 नो, 0 ना, 0 नहीं आए, तो हम कहेंगे कि कोटी यानी कि रैंक 2 है। लेकिन आप देखेंगे कि मैं कैसे भी कर लूँ इसके एलिमेंट्स को, हर 2x2 सारणी की वैल्यू 0 ही आनी है इसके अंदर। देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया, ये वाला, इतना इतना क्या वाला, ये सब छोड़ दिया। अब देखिए आप, ये क्या है, देखो इसको, 9 एकम 9, -3 3 9, 9 माइनस 9 0। चलो इसको देख लो, 36 माइनस 36 0, इसको देख लो, 36 माइनस 36 0, इनको देख लो, -36 + 36 हो जाएगा, ये -36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनको देख लो, इसको देखो, ये वाली -9 + 9 0 हो जाएगा। यानी आप ये जो 3x4 की मैट्रिक्स है, इनके एलिमेंट लेके आप 2x2 के बनाओ डिटरमिनेंट। पहले 2x2 के बनेगी मैट्रिक्स, फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट, उन सब की वैल्यू 0 आ रही है। अब देख लो, कैसे भी कर लो ना, कैसे भी कर लो। अब देखो, ऐसे कर लो इसको, तो 36 माइनस 36, ऐसे कर लो, -36 + 36, कैसे भी कर लो भाई, हुक एंड कुक, कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये देख लो, -9 + 9, हमने क्या कहा, रैंक इसकी 3 से कम होगी, परंतु 3 से कम का मतलब, 3 से कम वाला होता 2 या 2 से कम। अगर हम 3 से कम कहते हैं, इसका मतलब कि 3 तो होगी नहीं, तो फिर क्या होगी, या तो 2 या 2 से कम। परंतु प्रत्येक 2x2 सारणिक का मान 0 आ रहा है। इसकी जितनी भी 2x2 की मैं मैट्रिक्स बना के उसकी सारणिक निकालता हूँ डिटरमिनेंट, उसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसकी रैंक है वो 2 नहीं हो सकती। तब क्या होगा, इसका मतलब जो रैंक होगी वो या तो 1 होगी या 0 होगी। परंतु इसकी जो रैंक है वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए, हम तो कहते हैं ना, अगर किसी मैट्रिक्स का एक भी एलिमेंट 0 ना हो, नॉन जीरो हो, तो 0 नहीं होगी। इसमें तो खैर सारे ही नॉन जीरो ही हैं, तो कोई सा ले लो, 0 तो कोई है ही नहीं। जब तक सारे एलिमेंट 0 नहीं हो जाए, उसकी कोटि रैंक 0 नहीं होगी। एक भी एलिमेंट मिल गया नॉन जीरो, तो रैंक हो जाएगी 1। तो रैंक किसी 0 तो नहीं हो सकती क्योंकि सारे 0 नहीं है, परंतु 1 हो सकती है क्योंकि ये देखिए, ये 0 नहीं है, वो 0 नहीं है। इसका मतलब इसकी जो रैंक है वो 1 है। कितनी है, 1 है। तो मैं समझता हूँ, मैंने इसको बहुत ही तसल्ली से धीमे धीमे एक एक बात को लेकर समझाया है। अब ये जो क्वेश्चन रैंक है, आप लोग जितना स्वयं अपने घर पे करेंगे प्रैक्टिस करते हुए, तो आपको अच्छा लगेगा और आंसर भी आएगा। अब देखिएगा, मैंने यहाँ रेड पेन से कुछ मार्क कर रखे हैं। ये तो एग्ज़ाम्पल नंबर 3 था किताब में,
और बाकी देखिएगा एग्जांपल 1 पेज 37 पर, एग्जांपल 2 पेज 38 पर, ये मैंने अभी कर ही दिया। और इसके अलावा एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 पेज 40 और 42 पर ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है इस पेज पर कि इसका जो रैंक है, कोटी जो है, आपको वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आपको रैंक बतानी है। पर वो चूंकि अभी हमने किया नहीं, नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाद में कभी अपने समय मिलेगा, कभी आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो दो एग्जांपल हैं, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 पेज 40 और 42 पर कहा तो ये गया कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाल रैंक। तो ठीक है, आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट मत करना, क्यों आपको मैंने बताया नहीं, तो आप सीधी रैंक निकाल लो उसकी डायरेक्टली उस मेथड से जो मैंने अभी बताया आपको, जस्ट बताया अभी। तो इस तरह से आपके पास में इस क्वेश्चन के अलावा जो मैंने अभी आपको कराया है, इतने सारे क्वेश्चन इसमें और संभव है। ये एग्जाम्पल 3 तो मैंने आपको करा ही दिया है बुक का, पेज 38 पर कर रहा हूँ, यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मैंने पूरा कर दिया अभी अभी, ये पूरा समझा दिया मैंने। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये शेयर कीजिएगा, उनको बहुत लाभ होगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सहरान सिविल इंजीनियरिंग भाई आर पी व्यास, आपको मेरे वीडियोज़ बराबर मिलते रहेंगे अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो, और बहुत लाभ आपको होगा पूरे जीवन में। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।